चला चलिए नियामत आ गई बाहर गुगु। हाय देखो उसने चप्पल पैर ले ली हाथ में। हाय नियामत, इसको बड़ी शौक चढ़ती है चप्पल लेने की गुगु ना। और देखो नियामत चप्पल नहीं ले रही ना। हाय नियामत आ गई, हेलो आ गया चोनी बाबू। नहीं नहीं कर ली बाबू ने मेरी, हैं हैं बाल गिले मेरे बाबू के। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं कर ली जी चुनू। मेरे बाबू को नहीं नहीं करके अच्छा लगता है, बोलते हैं कि बाथरूम से मुझे बाहर ही ना लेके जाओ, मुझे बस नहलाते रहो ऐसे। ऐसा घुमाई जा ਓਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਗਏ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ गलत खुल गया वीर तो कोई गल नहीं, वादा घाटा चलता रहता साडा आ जाओ। ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਵਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਨਾ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪਲੈਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੈ ਆਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਆਇਆ ਪਸੰਦ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਜੇ ਮੇਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਿੱਧਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁੱਗੂ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਤੂੰ।
खोल दरवाजा ले दरवाजा बंद करके गांव गई दस सी अपने बूट बाहर ला गई बूट बाहर ला के बूट बाहर ला पापा की लिया इधरों खोलना आया ले ले हलका होया इथो खोलता इधरों आ टेप लाई है ले 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 कमल पै गया कमल पै गया गुगू चाचू का क्या कंपनी से पता लग रहा है की कंपनी की कंप्यूटर तो नहीं हाँ गुगू लैपटॉप मिर्च वाला उन्होंने देता ही रेरे करके दे ही उठे हाँ सवेर दे उठे हाँ चलो पापा का अच्छे से काम बड़े और भी आ रहे हैं उन्होंने पहला काम दी भाई गोगो वो तो मुंह पे चलो चलो गोगो ना आत रखो आज ही लैन गए सवेर दे ही ओ कम्मा जियां उत्तर हे एवरीवन अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल और नमस्ते आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एएम व्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 ठीक होंगे और आप लोग की दुआ की वजह से हम भी ठीक हैं। आज अमन ने फिर से मुझे सरप्राइज कर दिया, बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे जो सपने हैं, छोटी छोटी जो वो मतलब ख्वाहिश होती है, वो जब पूरी होती है तो बहुत दिल को सुकून मिलता है, खुशी बहुत हो रही है। लेकिन ज़्यादा खुशी करना भी मतलब कभी कभी डर लगता है ज़्यादा खुशी करने को भी, खुशी तो बहुत ही हो रही है दिल से ही। शुक्र अल्लाह अल्लाह के देन से ही आज देख रहे हैं ये सब, मतलब अच्छी चीज़ें हो रही है हमारे साथ। तो लाइफ में टेंशन भी बहुत है, खुशी भी है, दोनों के बीच में लाइफ बस चल रही है। तो दुकान के लिए बहुत ज़रूरी था कंप्यूटर एक, क्योंकि टैटू के कारण चाहिए अमन को प्रिंट वगैरह निकालने के लिए। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये चीज़ लेने की। बहुत दिनों से अमन बोल रहे थे कि कंप्यूटर एक खरीदनी है लेनी है। तो आज वो भी सपना हमारा मतलब अमन का पूरा हो गया। चलो आए गुगो, तो पुए को बताती है कि नहीं कि गर्मी में ये जैकेट ना पहना करो इतनी गर्मी में। है गुगो तू बोल के मुझे देखो पुई मैं क्या पहनी हुई हूँ। पिजम 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 पापा ने नहीं करना था ऐसा, नहीं करना था ऐसा ना। आज आज वसी आ रही है, अच्छी नहीं लग रही। गुगु भी देख रही है, गुगु भी सोच रही है कि ये कौन है। हाय मुझे कॉल किया था आपने, लेकिन मुझे लगा था आपने मजाक किया है। मैं ना बहुत टाइम से बोल रहा था ना करो फिर मुझे ऊपर से दाढ़ी भी करवा ली और भी मुंह छोटा छोटा नहीं बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है लेकिन दो शेव भी करवाई ना तो लेकिन अभी क्या बोलूं मैं। लेकिन अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। आज अमन को ना गुगु पहचान रही है ना मैं शॉक हो गई, पापा नहीं बोल रहे सारे बार वो है गुगु मेरी लिपस्टिक निकाल के ले आई। गुगु गुगु
मजा आ खाना दिया दोपहर को, उसने बोला कि मुझे चावल दे दो भाभी, मैंने उसको खाना दिया तू हो तोड़े, उसने सारी सब्जी यहाँ पे छोड़ के चला गया वो। और इधर देखो मेरी मेकअप तो इन्होंने कमबैक तोड़ दिया, मेरी सारी सारी टूट गई। नहीं नहीं ये वाली यूज नहीं करती मैं, नीचे वाली ये वाली करती हूं। मेरी गलत थोड़ा है ओए, मैं वीडियो जे मैं उदा नहीं कह के आया हां, तू ही एक करी वीडियो च कह दे, वो वीडियो भेजदे हैप्पी दी मम्मी। अच्छा मम्मी ते एक करी तू ही वीडियो दे विच कह के आना है जल्दी। पहला ठीक नहीं है ना, मम्मी जी आप एक दिन हमारे घर में आओ, मतलब दावत है आपका, एक दिन हमारे घर पे आओ हैप्पी के साथ, है ना? और तो घर में कोई है नहीं अभी, जल्दी 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 से जल्दी टाइम निकाल के आ जाओ। तो हम अभी बाजार आए स्पेशली बिरयानी की, थोड़ी सी मसाले मेरी ख़त्म हुई थी, बिरयानी के थोड़े से मसाले लेने के लिए आए हैं, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई थी। जैसे कि आज मैंने अपने सब्सक्राइबर को वादा किया है कि आज बिरयानी बना के मैं दिखाऊंगी, मतलब रेसिपी उनको बताऊंगी, तो इसलिए तो उसके लिए स्पेशल मैं आई हूँ अभी बाजार, है ना गुगु? तो रात के बज रहे हैं 9 और यहाँ पे बन रही है बिरयानी की रेसिपी, जो किसी ने हमें मतलब के कमेंट किया था कि बिरयानी की रेसिपी बनाओ। क्या हुआ? ओ गुगु आगे कर रही है स्कूटी के, पवन की ना डेगना है वे। और यहाँ एक नई चैनल खोली है, और यहाँ पे एक नया चैनल है, वहाँ पे ही वो रेसिपी डाली जाएगी, फूडी फैमिली। तो आप लोग जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो, मैं लिंक डाल दूंगी हमारे ब्लॉग वाली चैनल में, डिस्क्रिप्शन में इस चैनल में मैं डाल दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाओ और सब्सक्राइब करो, और जल्दी जल्दी मेरी वो बिरयानी वाली रेसिपी वहाँ पे है, वहाँ पे देख लो आप लोग पूरी की पूरी, मतलब के कोई भी वहाँ पे ब्लॉगिंग का कुछ नहीं, अलग से होगा लेकिन बस फूड पर, लेकिन नॉर्मल वो तो फूड के ऊपर ही, वो दूसरा ब्लॉग कुछ नहीं होगा जो हम इधर उधर जाते हैं जो कुछ लेने जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि एसी सिर्फ ये वाले रूम में लगा है, हमारे एसी चल रहा है, और ये तो स्पेशल डिमांड थी उसके कारण ये इतनी गर्मी में बना रही है, गर्मी बड़ी लग रही है और पसीना। और इस वीडियो में आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लो कितना पलारा पड़ा है, तो बिहाइंड द सीन ये सब होता है जब हम रेसिपी कोई बनाते हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली चावल बने हैं, इसके सारा बिरयानी का जो भी है रेसिपी सारी वो आपको बताई जाएगी, लेकिन दूसरे चैनल पे। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, तो मिलते हैं जब बिरयानी पूरी हो जाएगी फिर। तो अभी हम लस्सी बना रहे हैं और यहाँ पे हमारी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। तो अभी हमारी बिरयानी बनके क्लियर हो गई है, हम खाने के लिए लाए हैं यहाँ पे बिरयानी। सच्ची में मैंने बनाया है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बड़ी टेस्टी बनी है। इसकी अगर रेसिपी चाहिए आप लोगों को तो जल्दी जल्दी जाओ मेरे दूसरे चैनल को
सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है फूडी फैमिली, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यहाँ पे। और सच्ची में बहुत अच्छी बनी है, वहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड के रिलेटेड मतलब वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे दोनों मस्ती कर रहे हैं, तो चलिए फिर हम खा लेते हैं और साथ में लस्सी, तो हम खा पी लेते हैं। रात भी बहुत हो गई है, मुझे वीडियो भी एडिटिंग करनी है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।